दिल्ली के 30,000 कोर्ट में वकीलों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, पुलिस अफसरों को वकीलों ने पीटा, कई गाड़ियां फूंकी गई। शिवसेना के तेवर पड़े नरम, शिवसेना के नेता संजय राउत बोले, अंत तक निभाएंगे गठबंधन धर्म। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर सस्पेंस जारी, बिन मौसम बारिश पर फडणवीस ने बुलाई बैठक, नहीं पहुंचे शिवसेना ने। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हुसैन दलवई ने सोनिया गांधी को लिखी चिट्ठी, कहा शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बनाने का मौका मिले तो देना चाहिए समर्थन। तो वही वाराणसी में लापरवाही के बाद इंजीनियर बने निगम के डायरेक्टर, यूपी सरकार ने लिया डायरेक्टर को डिमोट करने का फैसला। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नेशन अप टू डेट में, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर लगातार तनातनी जारी है। इस बीच अब महाराष्ट्र कांग्रेस के एक नेता हुसैन दलवई ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अगर शिवसेना को समर्थन देकर सरकार बनाने का मौका मिले तो समर्थन देना चाहिए। इस चिट्ठी में लिखा है कि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बीजेपी खरीद फरोख्त करके सरकार बना लेगी। इस बीच शरद पवार अपना नासिक दौरा बीच में छोड़कर मुंबई आ रहे हैं, जहां वो पार्टी के नेताओं से उनकी राय लेंगे। सोमवार को सोनिया गांधी से उन्हें मिलना है। दूसरी तरफ इस बात के भी कयास लगाए जा रहे हैं कि उद्धव ठाकरे की शरद पवार से फ़ोन पर कोई बातचीत हुई है। महाराष्ट्र में 24 अक्टूबर को चुनाव परिणाम आए थे, लेकिन 8 दिन बाद भी सरकार गठन को लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। बीजेपी और शिवसेना अपनी अपनी मांगों को लेकर अड़े हैं। दोनों ही पार्टियों के नेता एक दूसरे पर बयानों के तीर छोड़ रहे हैं। इस बीच शिवसेना के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता से मुलाकात की, जिसे लेकर आशंका जताई जा रही है कि शिवसेना कांग्रेस और एनसीपी के समर्थन से सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। वही सामना के जरिए शिवसेना ने बीजेपी पर फिर हमला बोलते हुए पूछा है कि क्या राष्ट्रपति आपकी जेब में है। तो वही खबर यूपी के बहराइच से, जहां थाना नानापारा क्षेत्र में हुई लूट की घटना को अंजाम देने वाले लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल क्राइम ब्रांच बनकर लूट करने वाले कई लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपहरण के बाद लूटकांड की घटना को अंजाम दिया गया। लुटेरों से 34,20,000 की नकदी बरामद हुई है। दो अभियुक्तों के साथ ही लूट के रुपये और मोबाइल बरामद किया है। ये लाइट भी नहीं जल रही है, इसमें कई लाइट ऑफ है। बढ़ते आगे, अलीगढ़ बिजली विभाग में तैनात अधिकारियों को पुलिस का इस कदर खौफ है कि 7.5 करोड़ बकाया होने के बावजूद भी पुलिस विभाग को बिजली विभाग से कोई नोटिस तक नहीं थमाया जा रहा। जबकि शहर में किसी बिजली उपभोक्ता का बिल अगर 2 महीने तक जमा ना हो तो कर्मचारी ही कनेक्शन काट देते हैं। आपको बता दें, बिजली विभाग ने पूरे अलीगढ़ जनपद को 3 सर्किल में बांटा हुआ है, जिसके पहले और दूसरे सर्किल ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हैं, जबकि तीसरा शहरी क्षेत्र है। पहले सर्किल में पुलिस विभाग पर करीब 2,20,00,000 रुपये का बिजली बिल बकाया है। वहीं दूसरे खंड में सितंबर तक करीब 94,00,000 बकाया। अगर बात करें शहरी क्षेत्र की, तो शहरी क्षेत्र में करीब 3,75,00,000 की बकाया राशि पुलिस महकमे पर बकाया चल रही है। कुल मिलाकर अलीगढ़ जनपद में अक्टूबर महीने तक लगभग 7.5 करोड़ की बिजली बकाया राशि है। वहीं सभी सरकारी विभागों पर बकाया राशि लगभग 35 करोड़ के आंकड़े को पार करती है, लेकिन बिजली विभाग के अधिकारी इसे वसूल करने में नाकाम साबित नजर आ रहे हैं। क्या यही पुलिस का खौफ है? अब सवाल यह उठता है कि आखिर आम आदमी को बकाया भुगतान के नाम पर क्यों सताया जाता है? जो सितंबर के बकाए की स्थिति में आपको बताता हूँ, अलीगढ़ जनपद में टोटल 3 मंडल हैं, ग्रामीण के 2 मंडल हैं और 1 मंडल शहर का है। तो जो ग्रामीण का पहला मंडल है, उसमें पुलिस पर बकाया सितंबर तक का जो बकाया है वो 2,20,00,000, और जो दूसरा मंडल है उस पर जो बकाया है वो है 96,96,000, और शहर का जो शहर के मंडल का जो बकाया है सितंबर तक का वो है 3,75,00,000। तो इस प्रकार सितंबर तक का जो कुल बिल बनता है उन पर 6,90,00,000 रुपये तक का बकाया बनता है। इसमें सितंबर का, इसमें अक्टूबर का बिल और जोड़ देंगे
तो कुल बकाया करीब 7.5 करोड़ के आसपास बनेगा। सर आखिर पुलिस देना क्यों नहीं चाहती? नहीं, पुलिस देती है एक्चुअली। इन पे जो फंड आते हैं ना शासन से, वो फंड अभी दो साल में तो पुलिस भुगतान कर रही है। ये पिछले का एरियर जमा है इन पे, अब पुलिस दे रही है। 2-3 बार भुगतान हमें कर चुकी है पिछले वर्ष में। जी सर। बाकी का सर इनको नोटिस भी दिया जाएगा? नहीं, बाकी के इनको बिल प्रतिमा इनको बिल जाते हैं और इनको बार बार जो है नोटिस भी दे दिया जाता है। बढ़ते आगे खबर यूपी के बदायूं से, जहां मूसाझाग थाना पुलिस ने एक बार फिर एसएसपी के निर्देशों का उल्लंघन कर दिया है। पुलिस ने एक बार फिर असले तानकर राहगीरों की चेकिंग करके एसएसपी के निर्देशों का उल्लंघन किया है। चेकिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से एसएसपी ने साधारण तरीके से संदिग्ध लोगों की चेकिंग का निर्देश दिया था। इस बार यह कार्रवाई मूसाझाग थाना पुलिस ने की है। शुक्रवार को एसएचओ ललित भाटी समेत उनके हमराह नई सड़क पर चेकिंग करने निकले। वहीं चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने राहगीरों को असले के बल पर चेकिंग शुरू कर दी। वहीं पुलिस की इस कार्रवाई से राहगीरों के हाथ पांव फूल गए। इस प्रकरण की तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। वहीं अलीगढ़ में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स की पत्नी की कंपनी बताकर एक व्यक्ति शहर के कई व्यापारियों से करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी कर गायब हो गया। आरोपी ने व्यापारियों से सामान उधार लेकर बीजेपी नेता की रामघाट रोड स्थित जमीन पर शॉपिंग सेंटर खोला था। 7 जगहों पर स्पा, कैफे, अस्पताल खोलने की तैयारी चल रही थी, लेकिन व्यापारियों ने रुपये मांगे तो सभी जगह काम ठप हो गया, सेंटर भी बंद मिला। 2 दिन आरोपित का कुछ पता नहीं लगने पर गुस्साए व्यापारियों ने शॉपिंग सेंटर पर हंगामा कर दिया। बाद में व्यापारियों ने सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराने के लिए तहरीर दी। एलियास से फोन पर भी कोई संपर्क नहीं हो सका। व्यापारियों को अपनी ठगी का एहसास हुआ। समस्या ये है, जो साप्टन क्लब के नाम से इन्होंने अपना जो बाजार खोला है, इनकी कंपनी का नाम साप्टन बाजार है। हम सभी लोग जब इनके पास गए, इन्होंने कहा हमसे कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है उनकी वाइफ बिल गेट्स, वो और साप्टन क्लब दोनों एक हो चुके हैं, टाई अप हो गया दोनों का। और हम यहाँ पर अपने साप्टन बाजार, साप्टन हॉस्पिटल, साप्टन स्पा, साप्टन इंस्टीट्यूट, यानी कि 8 स्टोर अलीगढ़ में इस तरीके से खुल रहे हैं, जिन पे काम भी चल रहा है। नहीं, वो सब अलग है। 8 स्टोरों पे काम अलीगढ़ में चल रहा है जो कि बंद है इस समय। मैंने ये सारा साप्टन बाजार का टोटल ब्रांडिंग मैंने किया, 8 स्टोर की ब्रांडिंग मेरे हाथ में, तो मैं कर रहा हूँ। इन 8 स्टोर की ब्रांडिंग के लिए सबसे पहले एक ब्रांडिंग होगी, जिसका एक बिल था मेरा 1,53,000 का। वो बिल 10 तारीख को आना था, दिवाली से पहले, यानी दिवाली से पहले 10 तारीख को आना था। वो बिल मेरा क्लियर नहीं हुआ, पैसे ट्रांजेक्शन की बात थी तो ऑनलाइन RTGS होना था, वो हुआ नहीं। आज से हम लोग दिवाली के बाद सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, पैसा नहीं आया सभी लोगों का, या मजदूर हैं, गरीब हैं, वर्कर वाले लोग हैं, उन किसी का भी पैसा आया ही नहीं है। आपको किस तरीके का आश्वासन दिया गया कि आपको कंपनी द्वारा पैसा दिया जाएगा? हमें आश्वासन यही दिया गया था कि 10 तारीख को हमने फ़ोन किया था कि सर हमारा 8 ट्रांजेक्शन होना था, वो आया नहीं है। एग्रीमेंट हुआ आपके कार्य द्वारा? एग्रीमेंट हमारे पास PO आया हुआ है, कंपनी की तरफ से हमारे पास PO आया हुआ है। बहुत से लोगों को चेक दिए हुए हैं, इनके पास चेक है, मेरे पास दो PO हैं, मेरे पास 1-53, 1-53 के नहीं, मेरे पास मेरा लगभग 3.5 लाख रुपये का नुकसान है और 5 लाख रुपये का माल। केंद्र की सत्तारूढ़ सरकार और प्रदेश की योगी सरकार भले ही कई योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने का वादा कर रही हो, लेकिन जनपद जालौन में एक ऐसा गांव है जहां महत्वपूर्ण योजनाओं को पूर्णतः ठेंगा दिखा रहा है। ताजा मामला जनपद जालौन के विकासखंड कदोरा के ग्राम भेड़ी खुर्द का है, जहां पर प्रधान की दबंगई के चलते भ्रष्टाचार में तल्लीन प्रधान केंद्र और राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत मिशन योजना, पेयजल योजना, तालाब सौंदर्यकरण योजना आदि सभी योजनाओं को ठेंगा दिखाता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि इस गांव में सावित्री देवी, जो कि 5 सालों से लगातार प्रधान का पद ले रही हैं, लेकिन जब जालौन की मीडिया टीम ने इस गांव का सर्वे किया तो पता लगा कि सरकार की योजनाओं का किसी भी पात्र व्यक्ति को लाभ नहीं दिया गया, बल्कि अपने चहेतों को शौचालय और आवास योजना आदि का लाभ देकर सरकार के लाखों रुपये को चूना लगाया जा रहा है। जब इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी जालौन प्रशांत कुमार से बात की गई तो उन्हें भी अपना बचाव करते जवाब दिया गया कि मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं थी, मामला संज्ञान में आया है और अभी यदि प्रधान के जरिए इस प्रकार के कार्य किए गए तो उसके खिलाफ जांच कराकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, जब शौचालय का पैसा आया नहीं तो प्रधान कह रहा था 2,000 रुपये हमको दो तब पैसा मिलेगा पूरा, हमने दिया नहीं तो एक किस्त आई दूसरी आई नहीं है, बस खत्म।
देखिए, अब जहाँ तक स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय सुविधा उपलब्ध कराने की बात है, तो SBM योजना अंतर्गत जितने भी पात्र बेनिफिशरी थे उनको लाभान्वित कराया जा चुका है। इसके अतिरिक्त SBM से छूटे हुए लोगों को LOB 1 में प्रस्तावित कर उनको लाभान्वित कराया गया है। फिर भी अगर कहीं आपकी जानकारी से मुझे संज्ञानित हो रहा है कि उसमें नहीं है, तो हम उसका पुनः सर्वे करा लेंगे और देखेंगे कि वास्तविकता क्या है और क्यों किन कारणों से इनको इस योजना में लाभान्वित कराया गया। अभी एक मौका हमारे पास LOB 2 का है, तो हम उसमें उनको समाहित करके जितने भी पात्र होंगे उनको लाभान्वित कराएंगे। सर, गांव वालों का आरोप है कि हमसे पैसे मांगे जाते हैं, अगर मैं पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ इसलिए मुझे लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर ये कोई आरोप है तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से वो लिखित में आ जाए और हम लोग उस पूरे प्रकरण की जांच कराएंगे गंभीरता के साथ और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। खबर यूपी के मिर्जापुर से, जहां यातायात माह का उद्देश्य दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना। यह कार्यक्रम जीडी बिनानी कॉलेज भरूहना में फीता काटकर और हरी झंडी दिखाकर साथ ही दीप प्रज्वलित कर यातायात माह का शुभारंभ किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विध्यांचल मंडल के उप पुलिस महानिरीक्षक पीयूष श्रीवास्तव रहे। आपको बताते चले कि प्रत्येक वर्ष सुरक्षित यातायात के लिए आमजन को जागरूक करने के लिए 1 नवंबर से 30 नवंबर तक की अवधि तक यातायात माह के रूप में मनाया जाता है, लेकिन इस पर कितना अमल किया जाता है यह सबसे बड़ा सवाल है। इस कार्यक्रम में तमाम खर्च होता है, जब तक सरकारी व्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक चाहे लाख जागरूकता अभियान चला लें, बड़े बड़े दावे कर लें। तो वहीं मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा है कि सिविल पुलिस के जरिए आमजन को सुरक्षित यातायात के लिए जागरूक किया जाएगा, साथ ही स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्र छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष 1 नवम्बर से और 30 नवम्बर तक ये ट्रैफिक माह का आयोजन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है ट्रैफिक के नियमों के प्रति पब्लिक को सेंसिटाइज करना, स्कूल के बच्चों में भी तरीके के कार्यक्रम आयोजित करना, जैसे बच्चों के माध्यम से घर घर में इस बात का प्रचार हो सके कि आपको ट्रैफिक के नियमों का पालन करना चाहिए। क्या अपील करेंगे सर पब्लिक से? मैं इसमें आपसे भी अपील करूँगा, आप पब्लिक से भी अपील करूँगा और विशेष रूप से अपने पुलिस फोर्स के लिए भी अपील करूँगा कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे पुलिस में हो, चाहे पत्रकार हो, मीडिया में हो, चाहे पब्लिक का हो, सड़क दुर्घटना में आप देखते हैं कि उस जनपद में जितने व्यक्ति हत्या में मृत्यु होती है उससे कम से कम 5 से 6 गुना अधिक लोग एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाते हैं। इनको हम रोक सकते थे अगर वो हेलमेट लगाए होते, ईयरफोन ना लगाए होते या सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे होते, तो निश्चित रूप से उनकी मृत्यु हम रोक सकते थे। यही मैं अपील करूंगा आपसे कि इसका नियमों का पालन जरूर करें। बढ़ते आगे बात असम की। पूरे राज्य में आज छठ पूजा मनाई जा रही है, तो वहीं असम राज्य के नलबारी में भी बिहारी संप्रदाय के लोगों ने भी छठ पूजा आयोजित की। नलबारी के पागल दिया नदी के पार छठ पूजा आयोजित की गई। इस पूजा के लिए पागल दिया नदी के पार को बहुत अच्छी तरह सजाया गया है। इस पूजा में दूसरे संप्रदाय के लोगों ने भी हिस्सा लिया। इस पूजा में रात को सांस्कृतिक अनुष्ठान का भी आयोजित किया जाएगा। बताया जा रहा है कि पूजा में 50,000 से ज़्यादा भक्तगण हिस्सा ले रहे हैं। अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए बिहारी संप्रदाय के लोग तकरीबन 50 सालों से नलबारी में ये छठ पूजा मनाते आ रहे हैं। इस छठ पूजा के लिए नलबारी के पुलिस प्रशासन ने अच्छी सुरक्षा व्यवस्था की है। आज प्रोग्राम है, जैसे कि फंक्शन है, खाने पीने का है और पूजा पाठ का प्रोग्राम है, खाने के लिए फ्री है, सामाजिक खाना है। समाज का हर वर्ग के आदमी खाने पीने में सहयोग करते हैं, खाने के लिए हम लोग व्यवस्था करें उनके लिए। ये जो इतना सुंदर तरीके से आप लोग इस नदी के पार को सजाए है, कितना दिन लगा है? ये सजाने की हम लोग को 1 सप्ताह लगाया बनाए और हर जाति का आदमी का सहयोग है, हर समाज का सहयोग है हम लोग के साथ। कितना लोग होता है? लोग यहाँ पर लगभग हमारे इस छठ नदी पार में है, छठ पूजा 50,000 के लगभग लोग होते हैं। 50,000 से 1 लाख? 50,000 से अधिक ही होते हैं, कहीं कम नहीं होते हैं। कम नहीं होते हैं। कल्चरल प्रोग्राम भी है? कल्चरल प्रोग्राम भी है, डे नाइट का है, रात में लोग यहाँ रहते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होता है, खाने पीने का व्यवस्था भी है। मतलब कल सुबह खत्म होगा? कल सुबह लगभग 6 बजे खत्म होगा। कहाँ कहाँ से लोग आते हैं? ये लोग सब पूरे इंडिया का, जितना बिहारी है सब आते हैं।
मतलब ये बिहार से यूपी का दोनों स्टेट का आदमी यहाँ पूरा आते हैं, और आसामी भी आते हैं, बिहारी भी आते हैं, मलवारी भी आते हैं, बंगाली भी आते हैं। ये पूजा ऐसा है कि हर आदमी करने के लायक है, क्योंकि हम लोग हैं आपको चार पांच सामान चाहिए जीने के लिए। पांच सामान चाहिए ना, एक तो गंगा माता चाहिए जल, दूसरा नंबर सूरज भगवान चाहिए, तीसरा नंबर चांद भी चाहिए, और चौथा नंबर आपको पानी भी चाहिए। समझे कि नहीं, पाँच तत्व हवा चाहिए, हवा। ये पांच तत्व से हम लोग बने हुए हैं, ये पांच तत्व नहीं रहेगा तो हम लोग कभी जिंदा नहीं रहेंगे, ये पांचों तत्व। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहे नेशनल लाइव। नमस्कार।